आज हम बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओ का स्वरूप के अंतर्गत काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे। किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई हेतु छिपा होता है। हेतु का तात्पर्य है कारण। काव्य निर्माण के पीछे भी कोई न कोई हेतु अवश्य होता है। काव्य हेतु से हमारा आशय है काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण को काव्य हेतु कहते हैं। अगर हेतु कारण है तो काव्य कार्य है। जिस प्रकार से मिट्टी कारण है और मटका कार्य है। बाबू गुलाब राय लिखते हैं, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। अनेक समीक्षकों व काव्य शास्त्रियों ने गहरा विचार किया है कि वे कौन से हेतु अथवा कारण हैं कि जिनकी प्रेरणा से कवि या लेखक रचना करता है। भारतीय एवं पाश्चात्य आचार्यों ने काव्य हेतु पर गहन चिंतन किया है। संस्कृत में काव्य हेतु के विश्लेषण का सर्वप्रथम प्रयास आचार्य भामय का माना जाता है। आचार्य भामय ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु मानते हुए कहा है कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही काव्य रचना कर पाता है। काव्य सृजन के लिए प्रतिभा आवश्यक है। प्रतिभा एक शक्ति स्वरूप है जो कवि में बीज स्वरूप में विद्यमान होती है। इसी प्रकार भामह के अनुसार काव्य और शास्त्र के अनवरत अध्ययन से व्युत्पन्न शक्ति भी काव्य हेतु है। अर्थात भामह व्युत्पत्ति और अभ्यास को महत्वपूर्ण मानते हैं। आचार्य डंडी ने काव्य हेतु के रूप में केवल प्रतिभा को ही नहीं बल्कि व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी अनिवार्य माना है। डंडी प्रतिभा को जन्मजात और आवश्यक गुणों से युक्त मानते हैं। डंडी के अनुसार प्रतिभा के अभाव में भी व्युत्पत्ति एवं अभ्यास द्वारा काव्य सृजन हो सकता है। सरस्वती उपासना एवं अनवरत प्रयत्नों द्वारा काव्य सृजन संभव है। आचार्य वामन ने डंडी और भामह के मतों को आधार बनाकर ही अध्ययन मनन प्रयत्न अभ्यास काव्य कला के मर्मज्ञ से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करना अपनी ही रचनाओं की आलोचना समीक्षा करना आदि को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार है। वामन काव्य हेतु को काव्यांग कहते हैं। आचार्य रुद्रट ने भी लगभग इन्हीं काव्य हेतुओं को माना है। उनके अनुसार प्रतिभा के बल पर कवि में शब्द एवं उनके अर्थ के अवलोकन की क्षमता आती है। व्युत्पत्ति के बल पर दोष परिहार और काव्य तत्वों की उपादान शक्ति प्राप्त होती है तो अभ्यास से काव्य सृजन में निखार आता है। रुद्रट प्रतिभा को ही शक्ति कहते हैं। आचार्य रुद्रट प्रतिभा के दो भेद मानते हैं, सहजा उत्पाद्या। जन्मजात प्रतिभा सहज है तो अध्ययन अभ्यास से प्राप्त प्रतिभा उत्पाद्या है। आचार्य आनंदवर्धन ने दो काव्य हेतु स्वीकार किए हैं, प्रथम प्रतिभा द्वितीय व्युत्पत्ति। इनका स्पष्ट मत है कि प्रतिभा कवि के कर्म काव्य की व्युत्पत्ति आदि के अभावजन्य दोषों को भी छिपा लेती है। आचार्य राजशेखर प्रतिभा और शक्ति को एक ही स्वीकार न कर शक्ति को एक अलग तत्व के रूप में महत्व देते हैं। वे बुद्धि के भी तीन भेद करते हैं, स्मृति मति और प्रज्ञा। इनके अनुसार कवियों में प्रतिभा एक तो जन्मजात होती है और दूसरी आहार्या। कवियों के भी दो प्रकार उन्होंने किए हैं, एक सहज बुद्धि वाले और दूसरे आचार्य बुद्धि वाले। राजशेखर प्रतिभा के दो भेद मानते हैं, कार्यत्री प्रतिभा भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा कवि में होती है जिससे वे काव्य सृजन करते हैं। भावित्री प्रतिभा सहृदय में होती है जिसके द्वारा वे काव्य में छिपे भावार्थ को ग्रहण करते हैं। आचार्य मम्मट ने शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। काव्य रचना की शक्ति में लोकशास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान, काव्य मर्मज्ञों से प्राप्त शिक्षा, उसका अनवरत अभ्यास आदि को मूल कारण माना है। इनके अनुसार संस्कारगत शक्ति ही काव्यत्व का मूल बीज रूप है जिसके अभाव में काव्य निम्न कोटि का बन सकता है। अध्ययन मनन से प्राप्त ज्ञान व्युत्पत्ति है और निरंतर उत्कृष्ट काव्य रचना के लिए प्रयत्नशील रहना अभ्यास है। परवर्ती आचार्यों में केशव मिश्र, हेमचंद्र, पंडित जगन्नाथ भी प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं। हेमचंद्र प्रतिभा के सहजा और औपाधिक ये दो भेद मानते हैं। सहजा जन्मजात होती है तो औपाधिक
कई प्रयत्नों से सिद्ध या प्राप्त होती है। आचार्य वाग्भट भी प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु अथवा शेष को सहायक संस्कार हेतु मानते हैं। आचार्य जयदेव प्रतिभा को काव्य रचना का मुख्य हेतु और व्युत्पत्ति अभ्यास को उसका सहायक हेतु मानते हैं। उक्त विवेचन से तो स्पष्ट है कि काव्य सृजन के लिए आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास इन तीनों के स्वरूप का विवेचन किया है, जिसे हम निम्नानुसार देख सकते हैं। प्रतिभा, काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग प्रतिभा को सहज मानते हैं। मम्मट ने इसे शक्ति बीज स्वरूप माना है। अभिनव गुप्त ने अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता रखने वाली शक्ति को प्रतिभा कहा है। इस प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी भी कहा गया है, अर्थात वह नवीनता की आग्रही होती है, नई भावनाओं की उद्भावना इसी के द्वारा होती है। वाग्भट और हेमचंद्र इस नवोन्मेषशाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं, तो आचार्य अभिनव गुप्त अपूर्व वस्तु निर्माण क्षम प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। व्युत्पत्ति, मम्मट व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं। यह संसार के निरीक्षण से, काव्य और शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है। कुछ आचार्यों ने व्युत्पत्ति का अर्थ बहुलता से लिया है। बहुलता का तात्पर्य व्यापक ज्ञान से है। इनमें शास्त्रों का निरीक्षण, व्याकरण का अध्ययन, संसार का सम्यक ज्ञान अपेक्षित है। डंडी व्युत्पत्ति को श्रुत कहते हैं। लोक निरीक्षण से तात्पर्य चराचर सृष्टि के उपादानों तथा क्रियाकलापों से है। शास्त्रों के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक तथा कला विषयक शास्त्रों का अध्ययन तथा काव्यादि के अंतर्गत काव्य तथा अन्य कलाओं का अध्ययन आता है। अभ्यास, काव्य रचना का पुनः पुनः प्रयास अभ्यास कहलाता है। निरंतर अभ्यास काव्य रचना के शिल्प सौष्ठव में वृद्धि करता है। अभ्यास काव्य के बाह्यांगों को सुगढ़, आकर्षक, निर्दोष बनाने में सहायक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और निपुणता का मणिकांचन संयोग काव्य हेतु में सहायक होता है। परवर्ती हिंदी विद्वानों के मत, हिंदी के आचार्यों ने काव्य हेतुओं के वर्णन में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वे प्रायः संस्कृत और पाश्चात्य आचार्यों के मतों के घेरे में ही सीमित रहे हैं। हालांकि रीतिकाल के आचार्य ने संस्कृत काव्यशास्त्र को आधार बनाकर अपनी मान्यताएं दी है। आचार्य भिखारी दास के अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही काव्य हेतु है। परवर्ती हिंदी आचार्य डॉक्टर भागीरथ मिश्र काव्य हेतु के पीछे वे दो कारणों को स्वीकार करते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। इन्हीं को प्रेरक कारण भी कहा गया है। वे कहते हैं कवि की सामाजिक, पारिवारिक या वैयक्तिक परिस्थितियां तो उसकी प्रकृति है, जिससे उसे काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त होती है। जिसके अभाव में या तो काव्य रचना बिल्कुल नहीं होती अथवा होती भी है तो किसी अन्य रूप में। उपादान कारण के स्वरूप पर भी कहते हैं, लोक शास्त्र का व्यापक ज्ञान सत्संग, श्रवण, मनन और अभ्यास के रूप में होता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत मनुष्य की मननशीलता को प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं। उनके अनुसार मननशील मानव मन जब सांसारिक वस्तुओं के संपर्क में आता है, तब व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार कुछ वस्तुओं को देखकर उनमें तन्मय हो जाता है। कुछ वस्तुओं के प्रति उसके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और कुछ के प्रति वह भयभीत होता है। तन्मय प्रधान मननशीलता ही साहित्य की जननी है। डॉक्टर नगेंद्र भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ आत्मा भी व्यक्ति को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। काव्य हेतु पे पाश्चात्य विद्वानों के मत, पाश्चात्य साहित्य एवं काव्यशास्त्र में कहावत प्रसिद्ध है, पोइट्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, अर्थात कवि उत्पन्न होते हैं, बनाए नहीं जाते। पाश्चात्य विद्वानों ने भी किसी न किसी रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही साहित्य हेतु स्वीकार किया है। इस संबंध में सुकरात ने अपने मत रखते हुए स्पष्ट किया है, कविगण कविता इसलिए नहीं रचते कि वे बुद्धिमान हुआ करते हैं, वे इस कारण कविता रचते हैं कि उनमें एक विशेष प्रकृति अथवा प्रतिभा रहा करती है, जिससे उन्हें उत्साह मिला करता है। नाट्यशास्त्रवादी जॉन ड्राइडन तथा जॉनसन ने भी प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है। स्वच्छंदतावादी विद्वानों ने कल्पना तथा भाव को अधिक महत्व दिया है। लोक मंगलवादी विद्वानों ने ज्ञान और विवेक पर बल दिया है। कलावादी रचनाकार प्रतिभा को निरंकुश काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। मार्क्सवादी मान्यता के अनुसार शोषण से मुक्ति की कामना साहित्य की वृत्ति है। मनोविज्ञानवादी फ्रायड कला को काम से प्रेरित मानते हैं। उनके अनुसार काव्य सृजन से काम वासना तृप्त होती है। क्रोंचे
आत्मा भी व्यक्ति को काव्य सृजन की प्रेरणा मानते हैं। कॉलरीज कवि के लिए प्रतिभा को अनिवार्य मानते हैं। इस तरह काव्य हेतुओं पर भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी काव्य हेतु का गहन अध्ययन करें, विचार करें और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें, मुझसे मार्गदर्शन लें। धन्यवाद। नमस्कार।